सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी के अंदर आपने देखा होगा अभी आज अचानक से हमें लगभग 2.5% के आसपास जो शेयर है वो डंप होते हुए नजर आया है। तो स्टॉक में अचानक से जो गिरावट हुई है इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है, तो आप लोग देखोगे स्टॉक जो पीछे के कुछ दिनों से लगातार भाग रहा था वहाँ से आप लोग देखोगे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। दूसरा, कल के दो दिन से आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर हैवी सेलिंग प्रेशर था और जो पीछे स्टॉक में तेजी बनी थी कल के दिन वहां पर जो कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, परसों जो तेजी बनी थी ना स्टॉक में, एक ऑर्डर मिला था केपी ग्रुप से, वो सबसे बड़ा रीजन था स्टॉक में अचानक तेजी आने का। और फिर दो दिन से आप लोग देखोगे स्टॉक में हुई है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते जो शेयर है वो हमें ऊपर के लेवल से टूटते हुए नजर आया। तो चलिए अभी जानते हैं अब इसके कल के क्या हो सकते हैं लेवल। आज जो स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिली है 18 करोड़ 13 लाख के आसपास जबरदस्त वॉल्यूम स्टॉक में आई है और 17.55 के भाव पर जो शेयर है वो क्लोजिंग देते नजर आया। तो चलिए अभी जानते हैं अब इसके कल के क्या हो सकते हैं लेवल। उससे पहले यहां पर आप लोग देखोगे इसके जो रिजल्ट्स आए थे पीछे क्वार्टर वन में, कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया था 289 करोड़ के आसपास, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 237% की जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग देखोगे 21,537 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो चलिए भाई अब जानते हैं इसके पहले लेवल। लेवल से पहले एक बार इसका डाटा देखते भी आज का जो डाटा है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलोन एनर्जी के अंदर जो हमें डाटा देखने को मिला है वो कैसा है। 18 प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी, ओपन हुआ 18:15 पर, एक गैप अप के साथ ओपनिंग ली और 18:35 तक जो शेयर है वो ऊपर में उछला। उसके बाद जो शेयर में गिरावट हुई है 17.45 रुपये तक जो शेयर है वो नीचे में टूटा भी, 3% के करीब आप लोग देखोगे गिरावट। इस गिरावट के चलते स्टॉक में फिर से आप लोग देखोगे बाइंग के जो ऑर्डर है वो लग चुके हैं। 72,435 क्वांटिटी जो हमें बाइंग के लिए देखने को मिली है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डिलीवरी पोजीशन आज काफ़ी टाइम के बाद, 2-3 दिन के बाद आप लोग देखोगे अच्छा देखने को मिला है, जो कि 40% के आसपास है। आज जो शेयर में गिरावट हुई है, इस गिरावट के अंदर यहाँ से नीचे के लेवल से जो डिलीवरी है वो उठाई गई है। 14 करोड़ 91 लाख के आसपास जो शेयर है वो ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, जिनमें से लगभग आप लोग देखोगे 6 करोड़ के आसपास जो डिलीवरी है वो उठते हुए नजर आई है। डिलीवरी शानदार उठी है, प्लस में बाइंग ऑर्डर आया है, तो यहाँ से फिर से स्टॉक में एक अच्छे रिकवरी के चांस है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे, स्टॉक का जो एक ट्रेंड है। तो चलिए देखते हैं इसका सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे और स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है, स्टॉक उसको फॉलो कर रहा है काफी टाइम से, वो ट्रेंड अगर नीचे में कटता है तो स्टॉक कहां तक नीचे में डंप होते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलोन एनर्जी जो अपने ट्रेंड को नीचे में काट चुका और नीचे में सस्टेन किया है, ऐसे में जो सपोर्ट है 16.80 का एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है बना हुआ है। अगर 16.80 का ये लेवल टूटता है तो फिर आप लोग देखोगे स्टॉक नीचे में हमें देखने को मिल सकता है करीब आप लोग देखोगे 15.5 के आसपास। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक ने बनाया था, उस ट्रायंगल पैटर्न को जो शेयर है वो नीचे की तरफ काट चुका है, तो ऐसे में 16.80 तक नीचे में आ सकता है। तो उसके बाद जो सपोर्ट है वो 15.5 से लेकर 15.65 के आसपास का, यहाँ से स्टॉक ही रिकवरी लेता है तो 16.80 के भाव के आसपास से ले सकते हैं। अगर यहां से रिकवरी ली तो स्टॉक में एक अच्छी रैली फिर से बन सकती है और जो शेयर है वो आपको इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड भी करते हुए नजर आए काफी टाइम से। आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर रेंज में जो कंसोलिडेशन है वो हमें स्टॉक करते नजर आए, नीचे में क्या है 16.80 और ऊपर में 18.45 का लेवल, इसी लेवल के बीच में जो शेयर वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे में ये लेवल्स बने, इन लेवलों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। 16.80 का स्टॉप लॉस लीजिए, अगर कटे तो देखो भाई जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो ना भी एक शॉर्ट टर्म पोजिशन बनाकर बैठे हुए लॉन्ग टर्म वाले, तो अगर स्टॉक आपको 15-20-30% की गिरावट में मिले तो नीचे के लेवल से कंसीडर करना है। साथ में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा भी इसके लगभग 22 रुपए के जो टारगेट दिए गए हैं, यहां से जो है 25% के करीब ऊपर में उछाल पर उनके जो ना भी टारगेट है, तो यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आएगी तो ये वहाँ तक जा सकता है, 20+ निकल सकता है। बट उससे पहले आप लोग देखोगे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आने हैं अभी, तो क्वार्टर वन से पहले अगर जो निवेशक इसके अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है तो उन्हें 15.5 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो लेकर चलना चाहे स्विंग ट्रेड करना चाहे तो उनके लिए सबसे बेस्ट है 15.5 का, और जो इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं उनके लिए 16.80 का सबसे बेस्ट लेवल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।